हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मेटल्स एंड नॉन मेटल, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आपसे कोई मेटल या नॉन मेटल के बारे में पूछेगा तो आप क्या बताएंगे मेटल के बारे में? कि मेटल होता है आयरन, यानी कि लोहा, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये मेटल होते हैं। और नॉन मेटल के बारे में क्या बताएंगे आप? वुड हो गया, वाटर, गैस, इस ये सब किस में आते हैं? नॉन मेटल्स के बारे में। और आप क्या जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो ये सब तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो आपका ये बेसिक नॉलेज है ये बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो नॉन इस वीडियो में हम मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस चार्ट, यहाँ पे मेटल की सारे प्रॉपर्टीज हैं, इधर नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है। तो अगर आपको एग्जाम में केवल मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता है तो आप इसको लिखेंगे, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पूछता है तो आप इसको लिखेंगे, डिफरेंस पूछेगा तो आप ये चार्ट बना लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं। आपने देखा भी है कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट्स में होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होते हैं, लेकिन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। मेटल्स के अंदर एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है, मैंने बताया कि सब मेटल सॉलिड है तो एक इसमें ऐसा है जो सॉलिड नहीं होता है, वो क्या होता है? मरकरी। मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं है। अब देखो, एक केस होता है कि मान लो आप मेटल को हीट करेंगे तो सारे के सारे मेटल पिघल जाएंगे, पिघल के लिक्विड बन जाएंगे, तो हीट करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एक होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जनरली 22 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बोलते हैं। इसका कोई प्रिसाइज फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं है, जैसे कि 20 डिग्री बोल दिया, 22 बोल दिया, कोई 20 to 25 कहता है, कोई 22 to 25 कहता है। आप बेसिकली इतना जानिए कि रूम टेम्परेचर का मतलब है 20 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाँ, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है इसमें कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन जैसे कि मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता। ये सारे कंडीशन हम रूम टेम्परेचर पर ही पढ़ेंगे। तो मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड होता है। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये ओनली मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अधिकतर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में ही होते हैं। ओनली नॉन मेटल जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है, वो है ब्रोमीन, जिसको ब्रोमाइन भी कहते हैं। ये होता है रूम टेम्परेचर पर। ये भी क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड इज ब्रोमीन। फिर नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, जैसे कि कार्बन और फॉस्फोरस, ये हैं सॉलिड्स। सेकेंड है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। आपको पता होगा कि आयरन जो होता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसमें? मरकरी। आपको पता है कि मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है, तो लिक्विड तो हार्ड होता नहीं है। गैलियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको एक चाकू से यानी कि नाइफ से भी कट कर सकते हैं सोडियम और पोटेशियम को। तो ये सोडियम और पोटेशियम को जनरली हम सॉफ्ट मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं सोडियम और पोटेशियम को। नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं जनरली, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सबस्टांस है। हार्डेस्ट नॉन सबस्टांस क्या है? डायमंड। और डायमंड क्या है? एक नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। फिर है तीसरा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि आपको घर में जितने भी वायर होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल होता है जिसमें खाना बनता है, वो सब मेटल के बने होते हैं।
क्यों? क्योंकि मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। इसीलिए क्या होता है, आपके खाने में जो आपका फ्राई पैन होता है, इन सब का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? नॉन मेटल का बना होता है। कहीं लकड़ी का बना होता है, कहीं प्लास्टिक का बना होता है। वो जो वायर का कवर होता है, वायर का कवर किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। तो ये प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा भी है जो कि कंडक्ट करता है, वो एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट का नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो कि है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी होता क्या है? डक्टिलिटी होता है एबिलिटी टू बी ड्रॉन इन टू थीन वायर्स। मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वे थीन वायर्स में बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपके घर में जो वायर आते हैं वो किसके बने होते हैं? मेटल्स के ही बने होते हैं। तो ये मेटल की खास प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उन्हें हम थीन वायर्स में हम बना सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं? फोर्थ पॉइंट में मेटल्स होते हैं डक्टाइल, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल या फिर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स का हम वायर नहीं बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो मेटल होता है वो होता है गोल्ड, और उसके बाद होता है सिल्वर। गोल्ड क्या होता है? एक जो 1 ग्राम गोल्ड होता है उससे हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। सोच लो आप कितना पतला वायर उसका बन सकता है। इसलिए गोल्ड क्या होता है? सबसे ज़्यादा डक्टाइल, और गोल्ड के बाद होता है सिल्वर। फिर आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी अगली प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? एबिलिटी टू बी बीटन इन टू थीन शीट्स। मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई मेटल जो होता है, चाहे कोई सबस्टांस जो होता है, वो थीन शीट्स में पीट पीट कर उसके हम पतले शीट बना सकें, और मेटल्स को हम पतले से पतले शीट में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसकी उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। आपने देखा होगा वो सिल्वर का फॉयल आता है जिसमें हम खाने खाने वगैरह को लपेटते हैं, वो सिल्वर क्या होता है? मैलिएबल है, तभी तो थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे गोल्ड का फॉयल आता है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो नॉन मैलिएबल होते हैं। वो जो है नॉन मेटल्स को हम थिन शीट्स में पीट पीट कर थिन शीट्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप किसी लकड़ी को आप हथौड़े से पीटिए तो क्या पतला हो जाएगा? नहीं पतला होगा, ठीक है। और डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से गोल्ड और सिल्वर क्या बनाए जाते हैं? गहने बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। और भी जो मेटल्स होते हैं उनका क्या बनाया जाता है? बर्तन बनाया जाता है जिससे हमारे घरों में खाना बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस। मेटल्स का सरफेस क्या होता है? शाइनिंग होता है। अगर कोई पुराना मेटल भी हो गया हो, अगर आप उसे घिस देंगे तो क्या हो जाएगा? वो शाइन करने लगेगा। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है शाइन करने की, उसे बोलते हैं हम लस्टर। यानी कि मेटल्स क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं, ये चमकते नहीं हैं। लेकिन मेटल्स का एक एक्सेप्शन है, जैसे कि लीड। लीड क्या एक मेटल है जो कि लस्टरस नहीं होता, डल होता है। ये क्या होता है? ये कैसा होता है? ये डल होता है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉट लस्टरस। ये लस्टरस शाइनिंग सरफेस नहीं होता है इनका। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, वो क्या है? डायमंड। डायमंड क्या होता है? शाइनिंग होता है। और आयोडीन भी क्या होता है? शाइनिंग होता है। आयोडीन का भी अपना एक खुद का लस्टर होता है। आयोडीन कहाँ पड़ता है? आपके नमक में। आप फ्रिज में बचा रहता है ना आयोडीन युक्त नमक, आपके नमक में क्या रहता है? आयोडीन रहता है। और आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है जो कि लस्टरस भी है। सेवन प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाला। आपने देखा होगा जब मंदिर में घंटे लगे होते हैं, आपके स्कूल में बेल लगा होगा, उसको पीटते हैं जब, तो क्या करता है वो? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम सोनोरस। तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन सोनोरस होते हैं, ये सोनोरस नहीं होते हैं। आप किसी लकड़ी को पीटिए तो क्या वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। फिर है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। चलो मान लेते हैं एक सेम साइज का
एक आयरन का टुकड़ा लेते हैं और सेम साइज का एक प्लास्टिक का टुकड़ा लेते हैं या फिर लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, तो कौन ज़्यादा भारी होगा? आयरन का टुकड़ा ज़्यादा भारी होगा क्योंकि मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है लाइकली टू ब्रेक व्हेन सब्जेक्ट टू प्रेशर, मतलब अगर आप किसी ऐसे सब्सटेंस को अगर आप उसे प्रेशर लगाएं, ऐसे प्रेशर लगाएं, चाहे ऐसे प्रेशर लगाएं या फिर उसको हथौड़े से पीटें, तो वो क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लकड़ी को हथौड़े से पीटते हैं तो लकड़ी क्या होता है, फट जाता है, तो लकड़ी क्या होता है, ब्रिटल होता है। लेकिन आप मेटल्स को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉइल्स में कन्वर्ट होने लगेगा, तो मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या है, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल वाइल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। आप नॉन मेटल जैसे कि आप चौक ले लीजिए, चौक को जब ऐसे तोड़ेंगे तो आप चौक क्या होता है, टूट जाता है तुरंत। ऐसे ही पेन को आप ऐसे खींचेंगे तो ये टूट सकता है। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंथ प्रॉपर्टी है कि मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जैसे कि आप ऐसे कोई मेटल का वायर हो, चाहे चाहे कोई भी मेटल हो, आप उसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे, उस पर कुछ मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट उस पर हम लटका सकते हैं, तो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट वो सबस्टांस होल्ड कर सकता है वो बताता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए देखो आपके घरों का जो फैन होता है वो किस में लटकाया जाता है, मेटल्स पर ही तो लटकाया जाता है उसे, क्योंकि मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। आपके घर की जब छत बनती है तो उसमें जो सरिया डाला जाता है वो किसका होता है, मेटल का बना होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। नेक्स्ट है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप मेटल्स को बहुत आसानी से या बहुत जल्दी तो आप मेल्ट कर नहीं देते हैं, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत देर के लिए चाहिए होता है। इसलिए मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे कि वाटर लीजिए, वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल कर जाता है, लेकिन मेटल्स क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, जितने जितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो रहा है उतने टेम्परेचर पर मेटल मेल्ट भी नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसमें, गैलियम। गैलियम एक एक्सेप्शन है। आप गैलियम एक ऐसा मेटल है का आप उसे अगर अपन हाथ पे भी रख देंगे तो वो पिघल जाएगा, इतना इतना कम उसका लो, उतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको हाथ पे रखते ही वो गलने लगता है, पिघलने लगता है। और नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन क्या होता है, डायमंड होता है। नॉन डायमंड का जो डायमंड एक नॉन मेटल तो है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड का। अब आपको पता है कि जो टोटल नोन एलिमेंट हमें हैं वो कितने हैं, 118 है, 118 नोन एलिमेंट है हमारे पास, क्योंकि 118 एलिमेंट्स ही हमारे पीरियडिक टेबल में हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं, और थोड़े से क्या हैं, हमारे नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि आप पीरियडिक टेबल में देख पाएंगे, ये आपका पीरियडिक टेबल है, ठीक है, इसमें देखिए आप, ये हाइड्रोजन छोड़ दीजिए आप, हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन को छोड़ के ये पूरा बॉक्स जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में ये सब मेटल्स का बॉक्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कुछ गैप आ रहा है, फिर इस गैप के बाद ये थोड़ा सा जो बॉक्स बचता है, ये थोड़ा सा बॉक्स, ये है नॉन मेटल का बॉक्स। ठीक है, फिर आपका नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, ये भी मेटल का ही बॉक्स है। सोचिए इतने सारे मेटल्स हैं और ये क्या है, थोड़े से नॉन मेटल, और ये जो बीच में है ना, ये बैंगनी कलर में, इसे बोलते हैं हम मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच वाले करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।